अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की पंजाब इकाई को भरोसा दिलाया कि इस बार पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर पंजाब के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी के साथ समीक्षा बैठक के दौरान राहुल ने किया दावा। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन के पूर्व विश्व चैंपियन वांग हियान को हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसी के साथ उन्होंने एक नया इतिहास भी रचा है। कल पूरे विश्व में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर अपनी रक्षा और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी। इतना ही नहीं, इस मौके पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर सोमवार को आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का शव मंगलवार को झारखंड के मिहिजाम लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 6 साल की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। रियो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की उम्मीद माने जा रहे रेसलर नरसिंह यादव के रिंग में उतरने पर ही सस्पेंस हो गया है। डोपिंग विवाद के बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दी थी, लेकिन वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह कास्कर की शादी मुंबई में होगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान स्काइप के जरिए दाऊद पूरी शादी को देखेगा। रात करीब 9 बजे जुहू के ट्यूलिप होटल में होगा भव्य कार्यक्रम। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से अप्रत्यक्ष तौर पर बैन हटा लिया है। कुछ दिनों से एक बार फिर वो खुलकर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा कर्मी और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इतना ही नहीं, पुलवामा में गश्त के दौरान पुलिस पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला भी किया। मंगलवार को विदेश में सोने में आई मजबूती की वजह से देश में सोने के दाम ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सोना 31,130 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, सोने के साथ चांदी के दामों में भी 500 रुपए तक बढ़ोतरी हो गई। सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का न्यू लुक रिलीज हो गया है। इस फोटो में सलमान फौज की वर्दी में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म 1962 भारत चीन युद्ध पर आधारित है।